चलिए हाय दोस्तों, यहाँ पे लाइव आ चुके। आज हमने टॉपिक लिया है, हर रोज यहाँ पे 15 या 20 मिनट्स लाइव आएंगे और आपके जो क्वेश्चंस है आपके जो क्वेश्चंस भी ले लेंगे और हर एक नया टॉपिक लेके आएंगे, नया टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे मार्केट में। तो आज के लिए टॉपिक है ट्रेडिंग जर्नल। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग भी कर रहे हो, तो आप किस तरह से यहाँ पे जर्नल मेंटेन कर सकते हैं उसके बारे में आपको मैं थोड़ा यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो जिन लोगों के यहाँ पे अगर आपको जो फॉर्मेट चाहिए, जो कि ट्रेडिंग जर्नल का फर्स्ट कॉलम में क्या रहना चाहिए, सेकंड कॉलम में क्या रहना चाहिए, कहाँ पे अपन बाय सेल कहाँ पे किस कॉलम में डाल सकते हैं, उसका लेआउट अगर चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, तो टेलीग्राम चैनल पे वो जो लेआउट है वो मैं डाल दूंगा। तो आप क्या कर सकते हैं, जाके जो आपके शॉप है वहाँ पे एक प्रिंट आउट निकल के उसको बाइंडिंग वगैरह करके यहाँ पे ट्रेडिंग जर्नल आप रख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप ट्रेडिंग जर्नल प्रिपेयर कर रहे हो तो कभी भी अभी मार्केट में ट्रेड ले रहे हो, जो कि इंट्राडे रहेगा या स्विंग ट्रेड रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका पीछे का लॉजिक लिखिए कि यहाँ पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो ट्रेड करने का रीजन क्या है। यहाँ पे EMA स्ट्रेटजी पे ट्रेड कर रहा हूँ, यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, ये सेक्टर ऊपर की तरफ जा रहा है, वहाँ पे मैं ब्रेकआउट हो रहा है, OI देखकर एंट्री ले सकते हैं क्या भाई? हाँ, ले सकते हैं। यहाँ पे मयूर आयर का क्वेश्चन है कि OI देखकर एंट्री ले सकते हैं का, हाँ इसके बारे में भी अपन कल डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ पे चलिए मैं स्क्रीनशॉट निकाल के रखता हूँ कि कल के जो टॉपिक रहेगा कि OI देख के हम एंट्री ले सकते हैं क्या, तो कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जर्नल के लिए अभी जो अपना टॉपिक है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो जर्नल अगर आप यहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं तो उसके पीछे का लॉजिक लिखिए कि क्या लॉजिक के साथ आप ट्रेड ले रहे हो। वहाँ पे W टाइप ऑफ पैटर्न हो रहा है, 200 EMA 100 EMA को सपोर्ट ले रहा है। अगर जब भी आप लेंगे तो वहाँ पे वे भी नोट डाउन कीजिए कि कितनी क्वांटिटी आप ले रहे हैं। समझो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस 50 पॉइंट का बैठ रहा है, देखो 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस बैठ रहा है। अगर आपने 100 क्वांटिटी ली तो उतना रिस्क आप नीचे आता है तो उतना रिस्क आप ले सकते हैं क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल वो डिसाइड कीजिए। अगर उतना रिस्क आप ले सकते हैं तभी यहाँ पे ट्रेड लीजिए। अदरवाइज क्या होता है कि अपन ज़्यादा क्वांटिटी वहाँ पे ट्रेड करते हैं और अगले एक दो दिन में यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग कब जो भी रहेगा, जब वो नीचे आता है तो हेवीली लॉसेस देखने को मिलता है। तो हेवीली लॉसेस अपन अफोर्ड नहीं करते और हेवीली लॉस अफोर्ड नहीं करते उसकी वजह से अपना स्टॉप लॉस हिट होता है। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद अपन वहाँ पे जर्नल मेंटेन नहीं करते क्योंकि आपको पता नहीं चलता कि वहाँ पे किस लॉजिक पे ट्रेड लिया है। उसके बाद में अपनी ओवर ट्रेडिंग चालू होती है इंट्राडे में और आप स्विंग ट्रेडिंग भी कर रहे हैं तो आपका अच्छा सा वहाँ पे लॉस होता है। और फिर से अगर वो स्टॉक्स अभी कोई ब्रेकआउट दे रहा है तो लेट हो चुका होता है कि उसके लिए एंट्री लेने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिंग जर्नल में लिखिए, उसका रीजन लिखिए कि वहाँ पे अपन ट्रेड कर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, अगर समझो वहाँ पे अगर एक गलती हुआ, समझो यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस था स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो वहाँ पे रीजन भी लिखने का है कि यहाँ पे क्यों स्टॉप लॉस हुआ। और ये नोट डाउन करते तो आपको किसी की क्लास करने की जरूरत नहीं है, ना कि यहाँ पे जो अलग अलग वीडियोज है आप जितना वीडियोज देखेंगे तो क्या होता है कि आपका जो माइंडसेट है वो डाइवर्ट होता है कि इसने ये कहा था, उसने वो कहा था, ये वो कह रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ऑब्जर्वेशन क्या है वो फाइंड आउट कीजिए। आपका ऑब्जर्वेशन ही आपको मार्केट में आगे लेके जाएगा। क्योंकि मैं भी जो सिखाऊ तो मेरे गलती से ही सिखाऊ, मैं लिख कर रखता था कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पैटर्न यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे M पैटर्न हुआ, W पैटर्न हुआ, उसको ब्रेकआउट किया, ठीक है, ब्रेकआउट करने के बाद रैली तो आया लेकिन मैं होल्ड नहीं कर पाया, वहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, एक बड़ा स्पाइक आया, वहाँ पे इमोशंस में मैं सब उसको निकाल दिया। तो ये सब जो भी रहता है तो ये मोस्टली जो प्रॉब्लम्स है वो आप भी फेस कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा जो ट्रेडिंग जर्नल है तो यहाँ पे ट्रेडिंग जर्नल में क्लियर कट जो इंट्राडे का जो भी मोमेंटम रहता है तो मैं पे रखता हूँ, जो कि देख सकते हैं आज के जो 20 February का है, आपको थोड़ा यहाँ पे मिरर तो यहाँ पे उल्टा देखने को मिलेगा। चलिए मैं यहाँ पे कैमरा टर्न अराउंड करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो कि 20 February का है, तो आज मैंने क्लियर कट लिखा था यहाँ पे कि निफ्टी का रेजिस्टेंस क्या है, बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस क्या है, यहाँ पे US मार्केट क्लोज है तो यहाँ पे मेरे को क्या पे कहाँ पे एंट्री लेना है, सब कुछ मैं यहाँ पे लिखता हूँ। जैसे कि देख सकते हैं पीछे के दिन का भी यहाँ पे मैं और कुछ लिखता हूँ, मेरे को कब लगता है कि बिग फॉल सून आने वाला है, सब लिखता हूँ। तो इस तरह अगर आप अगर ट्रेडिंग जर्नल अगर आप भी मेंटेन करते तो क्या होता है कि आप अपनी गलती से सीख लोगे।
आपकी जो गलती हुई, समझो एक ट्रेंडिंग मार्केट था, उस ट्रेंडिंग मार्केट ने आपने समझो अपसाइड के लिए मार्केट था, जैसे कि आज का एक एग्जांपल लेते तो आज का मार्केट डाउनसाइड के लिए था, बहुत लोगों ने यहाँ पे डाउनसाइड के लिए ट्रेड किया होगा, उन्होंने 500,000 रुपीज का प्रॉफिट अर्न किया, ठीक है, उसके बाद में वो जो ऑप्शन था वो डबल हो चुका, ठीक है, लेकिन आप वहाँ पे होल्ड नहीं कर पाए क्योंकि उसके रीजन जो है सब ट्रेडिंग जर्नल में लिखो, और जो कि आपका हर मंथ होता है तो हर मंथ के एड में उसको एनालाइज कीजिए कि यहाँ पे कब मेरे को ट्रेंडिंग मोमेंटम मिले थे, वहां पे मैंने क्या गलती की, ये सब अगर आप मेंटेन करते हो तो आपका जो ट्रेडिंग जर्नल है अच्छे से रहेगा। अच्छे से रहने के बाद आपके जो इम्प्रूवमेंट है वो ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, कौन से वीक पॉइंट है, कौन से स्ट्रेंथ है, वो सब पॉइंट आप यहाँ पे निकालो और उसके ऊपर काम करना चालू कीजिए। चलिए अभी ट्रेडिंग जर्नल का जो टॉपिक है इसके बारे में कुछ सवाल वगैरह है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, उसके आंसर्स में दे दूंगा आपको। चलिए जल्दी से, जो कि मयूर ने जो क्वेश्चन बोला है, ये ओआई देखकर एंट्री ले सकते हैं क्या भाई? हाँ, कल मैं इसी टाइम पे ऑलमोस्ट 9:30 के नियर बाय में लाइव आ जाऊंगा और वहाँ पे ओआई देख के किस तरह से एंट्री ले सकते हैं, वहाँ पे क्या एनालिसिस कर सकते हैं, ऑप्शन चेन में थोड़ा क्या एनालिसिस कर सकते हैं, वो मैं आपको लाइव में यहाँ पे जो कि डेस्क के ऊपर बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए कोई चीज़ें ओआई क्या कहते हैं, ओआई का मतलब कहाँ है, कहाँ पे ओआई देखना है, कौन सी वेबसाइट इंपॉर्टेंट है, सब कल के टॉपिक में हम ले लेंगे। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल अभी ट्रेडिंग जर्नल के लिए जो लेआउट्स वगैरह है तो लेआउट्स वगैरह मैं आपको डाल दूंगा, तो लेआउट्स में आप यहाँ पे जो मेरा जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया फ्री ऑफ कॉस्ट है तो वहाँ पे ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा, अदरवाइज मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ वन सेकेंड, तो उसका जो URL है तो URL आप एक बार देख लीजिए, तो यहाँ पे देख सकते t.me ऋषि खर्चे 119 अगर यहाँ पे अगर सर्च करेंगे तो 847 सब्सक्राइबर है, तो इसको ज्वाइन कीजिए, मैं अभी वहाँ पे डाल दूंगा जो कि लेआउट्स वगैरह है, तो प्रिंट आउट निकाल के उसको रख सकते हैं ताकि आपको हेल्प हो जाए कि ट्रेडिंग जर्नल किस तरह से बन सकता है। वहाँ पे मैंने सब कॉलम्स वगैरह दिए कि यहाँ पे टाइमिंग डाल सकते हैं, क्या सेटअप यूज़ किया वहाँ पे डाल सकते हैं, कौन से सेगमेंट में ट्रेड लिया, और दिन के अगर 3 ट्रेड करते आप इंट्राडे के लिए तो बहुत बढ़िया रहेगा। नीचे की तरफ नोट्स भी आप लिख सकते हैं कि क्या लॉजिक के साथ यहाँ पे ट्रेड किया, ऊपर की तरफ फंड्स वगैरह सब कुछ मैंने लेआउट बनाया है, वो लेआउट मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दूंगा। सो अगर आपका कुछ सवाल रहेगा तो जल्दी से बताइए, हर रोज एक एक टॉपिक में मैं जब भी लाइव आता रहूंगा तो हर एक टॉपिक पे एक लेंगे, जैसे कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी रहेगा, MW पैटर्न, हर अभी जैसे मेरे को टाइम मिलता है तो मैं हर रोज लाइव आके कुछ ना कुछ तो आपको एजुकेशन देता चला जाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए अगर किसी का कुछ सवाल रहेगा तो बताइए, अदरवाइज यहाँ पे अपन ऑफ कर देते, जो कि अपना जो ट्रेडिंग जर्नल का जो स्क्रीनशॉट है मैं वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। चलिए अगर किसी का कुछ क्वेश्चंस रहता है, ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन कीजिए, आपके जो मिस्टेक्स है वो फाइंड आउट कीजिए, एनालाइज कीजिए, वो वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ट्रेडिंग जर्नल अगर आप मेंटेन नहीं कर रहे तो क्या होता है कि आप सिर्फ सोचते जाते कि हाँ चलिए आज यहाँ पे मेरे को एंट्री मिला था, आज यहाँ पे होल्ड कर लिया तो ये होता है, आज मेरा SL, आप यहाँ पे माइंड में मत रखिए, क्योंकि क्या होता है माइंड में एक दो दिन चला जाएगा, ठीक है एक वीक के लिए रह जाएगा, उसके बाद में आप नहीं उसका एनालाइज कर सकते। तो ट्रेडिंग जर्नल में आप जाके देख सकते हैं हाँ यहाँ पे ये पैटर्न हुआ था, मेरी ये गलती हुई, तो अगर ये फिर से मेरी गलती होती है तो मेरे को करने की है क्या नहीं करने की, तो सब कुछ वो वहाँ पे आप लिख सकते हैं। निफ्टी में मैच 17,800 का पी पे ओआई ज्यादा था, 15-20 पॉइंट्स पहले ही मार्केट अप हुआ, ऐसे टाइम क्या करे, एंट्री ले या नहीं? ओके, तो निफ्टी में जो कि 17,800 के पी पे ओआई ज्यादा था, फर्स्ट ऑफ ऑल 17,800 के पी पे ओआई ज्यादा है, इसका मतलब 17,800 का जो लेवल है स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट के लिए है। उसके बाद में आपका जो क्वेश्चन है 50 या 21 पहले ही मार्केट अप हुआ, ऐसे क्या करें? ओके, हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है, उनका कहना है कि 17,800 के यहाँ पे पुट में ओआई सबसे ज्यादा है तो वहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है, लेकिन मार्केट 17,800 तक नहीं आया, उससे पहले ही ऊपर की तरफ का उससे यू टर्न लिया, तो इसका अच्छा लॉजिक मैं बताते हो, जब भी यहाँ पे जो बड़े प्लेयर्स रहते तो बड़े प्लेयर्स ने वहाँ पे पोजिशन बनाया जो कि 17,800 के नियर बाय, तो उनके जो स्टॉप लॉस है उसके नियर बाय लगते हैं, और जो मार्केट ने जो रिट्रेसमेंट दिया, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सोचे मार्केट 18,000 से 17,800 तक गिरता चला आ रहा है, जो कि सेल ऑन राइज है, अभी नीचे की तरफ उसको पुट राइटिंग अच्छा सा मिल रहा है, तो उसकी वजह से मार्केट डॉट टू डॉट लेवल नहीं फॉलो किया और वहीं से उसने मार्केट ने यू टर्न लिया, तो ये साइकोलॉजी है, ये साइकोलॉजी आपको सीखना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, इसकी वजह से जो आपका जो क्वेश्चन था मयूर, तो उसकी वजह से मार्केट ने 17,800 को टैकल नहीं किया, उससे पहले ही मार्केट ने क्या किया यहाँ पे
परफेक्टली यहाँ पे रिवर्स दिया। जो मेरे सामने चार्ट है, जो कि आपका जो सवाल था परफेक्टली, जो कि 17,800 का लेवल यहाँ पे और मार्केट ने देखे उसके नजदीक नहीं गए, ओनली 18 पॉइंट से पहले उसने जो कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट दिया, तो उसका लॉजिक आपको पता चला होगा मेरे हिसाब से, ठीक है मयूर। क्योंकि मार्केट जो गिर रहा था तो नीचे की तरफ पुट राइटिंग अच्छा था, परफेक्ट डॉट टू डॉट लेवल का भी मार्केट फॉलो नहीं करता है, तो वहाँ पे कैंडलस्टिक आपको देखना पड़ेगा, वहां पे किस तरह का कैंडल बन रहा है, वहां पे इनसाइड टाइप ऑफ कैंडल बन रहा है, वहां पे जो ग्रीन कैंडल बनता है उस ग्रीन कैंडल के हाई को ब्रेक करता है तो मार्केट में एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो कैंडलस्टिक के बारे में भी यहाँ पे मैं जो इंस्टाग्राम पे हर डेली पोस्ट डालने वाला हूँ, जो कि कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न ट्रेडिंग साइकोलॉजी, तो नेक्स्ट 30 डेज हर रोज आपको एक पोस्ट मिलेगा, तो वहां पे कुछ ना कुछ तो आपको लर्निंग को मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे और किसी के कुछ सवाल वगैरह रहेंगे तो बता दीजिए, हर रोज मैं लाइव आता रहूंगा आई थिंक 9:30 या इस टाइम में, तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, आपके क्वेश्चंस के आंसर वगैरह यहाँ पे मैं दे सकता हूँ, और जो अपना टॉपिक रहेगा टॉपिक के बारे में भी यहाँ पे बहुत कुछ सीखेंगे। कल के लिए यहाँ पे अगर देखें तो 21st of February का कल के मार्केट का जो एनालिसिस रहेगा, तो मैंने मार्केट एनालिसिस वीडियो तो पोस्ट कर दिया, जिन लोगों ने देखा नहीं तो जाके देख लीजिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी का अगर ट्रेंड मैं अगर आपको बोलूँ तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो ट्रेंड है सेल ऑन राइज है, क्योंकि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है जो कि 18,000 को यहाँ पे निफ्टी ने होल्ड नहीं किया, बैंक निफ्टी ने 41,000 को होल्ड नहीं किया, यहीं पे ब्रेक डाउन दिया है, तो कल अगर कोई भी उछाल मिलता है, देखो कल कोई भी उछाल मिलता है और ऊपर की तरफ कोई सेलिंग का प्रेशर मिलता है, यहाँ पे कोई सेलिंग का इन्वर्टेड हैमर टाइप ऑफ पैटर्न, कोई एम पैटर्न, यहाँ पे ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है जो अभी ब्रेक हुआ है तो वहां पे मार्केट रिजेक्शन ले सकता है, वहां पे कोई हेल्दी रिजेक्शन मिलता है तो एक डाउन साइड के लिए मोमेंटम देखने को मिलेगा। और जो कल के लिए सपोर्ट्स इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स कहाँ पे इंट्राडे में रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, तो अगर वो जानने का है तो टेलीग्राम चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ पे आप यहाँ पे ज्वाइन हो जाइए, जो एजुकेशन पर्पज में आपको सबके आपको आपके साथ में सब शेयर कर देता हूँ। तो चलिए आज के लाइव में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, अभी मैं यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे जो लेआउट्स वगैरह ट्रेडिंग चैनल के मैं डाल देता हूँ। चलिए थैंक यू।